हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर टू फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर, है ना। इसमें हम आज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कंपनी की सत्ता स्थापित कैसे हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। और पोर्चुगीज के ये यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचकर समुद्री मार्ग का पता लगाया था, और पोर्चुगीज ने गोवा में अपने पहला ठिकाना बना लिया था। और 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में डच तथा उसके कुछ समय पहले फ्रांसी पारसी लोग भी आए गए, और पोर्चुगीज ब्रिटिश डच और फ्रांस के लोग भी इधर अपना भारत में व्यापार करना शुरू कर गया था। पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, और व्यापारी को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। और 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी, और इनमें से एक गांव कलिकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया था। कंपनी ने औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने का फरमान जारी कर, मतलब टैक्स से बिना व्यापार करना उन लोगों के लिए मना कर दिया था। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, इन लोगों ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। इससे बंगाल को बहुत बड़ा लॉस भी हो गया था। ऐसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में कब्जा करना स्टार्ट कर लिया, ताकि जो अपने भारत में रहने वालों से ही टैक्स चुकाने के लिए कहते थे, और राजाओं को भी, मुगल एम्परर को भी, सबको ऊपर भी इन लोगों ने बहुत प्रेशराइज कर लिया था हर तरीके से।